आयोजन विभाग के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। आखिर हमारा नौजवान भी तो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सकता है, ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? 2005 में क्यों नहीं सोचा गया? 2010 में क्यों नहीं सोचा गया? 2012 और 2015 में क्यों नहीं सोचा गया? लेकिन 2017 के बाद आज अलीगढ़ का नौजवान भी नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव कर भी नहीं सकता। हमने पहले कहा है, अगर नौजवान के साथ उसकी योग्यता उसकी प्रतिभा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हम उसको जेल भेजेंगे, सीधे जेल भेजेंगे, उसकी संपत्ति को जब्त कर डालेंगे जो नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और वो तकनीकी दृष्टि सक्षम हो, कौशल विकास विभाग भी काम कर रहा है, साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा विभाग आज आपको वर्ल्ड क्लास आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर देगा। बहनों भाइयों, इसके माध्यम से दुनिया का बाजार आपके लिए खुलेगा। उन्हें टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, याद करिए कि टैबलेट स्मार्टफोन हम 2 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों को। और बहनों भाइयों, 2 करोड़ नौजवान यूपी का उत्तर प्रदेश के विकास और प्रतिभा का आधार बनेगा। तो यही विकसित उत्तर प्रदेश, जब हम 17 में आए थे देश की 6वीं-7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और बहुत शीघ्र अगले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य।